नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जल्दी संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय। दोस्तों आज हम आपको संतान के बारे में बताने जा रहे हैं, संतान का देरी से होना कुंडली दोष के कारण या नाड़ी दोष के कारण, किसी भी ग्रह दोष के कारण हो सकता है। तो विलंब न होकर समय पर और जल्द ही संतान प्राप्त हो तो इसके लिए आप हरिवंश पुराण का पाठ करें। इतना ही नहीं, आप शिवालय में जाएं, भगवान शिव के लिंग पर एक जनेऊ चढ़ाएं और अपने हाथ में अक्षत चावल, सप्त धान्य, काला तिल लेकर के पानी से धो दें और धोकर शिव जी को चढ़ाएं और वहां 5 से 10 मिनट तक हरिवंश पुराण का पाठ करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा यह कार्य करवाएं तो इससे आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और यह कम समय में अचूक फल प्राप्त है और 1.25 महीने तक यह पाठ करें। दूसरा उपाय, शयन कक्ष में आप बालकृष्ण गोपाल को रखें। बालकृष्ण गोपाल की आप शयन कक्ष में फोटो रखें और वो फोटो ऐसी होनी चाहिए कि मटके से मक्खन गिरता हो। तो जैसे ही आप शयन कक्ष में जाएं तो सबसे पहले आपकी नजर बाल गोपाल नंद गोपाल के ऊपर पड़नी चाहिए। ऐसा होने से आपके घर में जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी और ये बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। एक उपाय और, आप बाल गोपाल को जहाँ आप सोते हैं उसके पीछे की ओर, दाहिनी की ओर, वहां स्थान बनाकर बाल गोपाल कृष्ण को विराजित करें। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। ये 3 उपाय आपको बताए जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और आप संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।